मध्य प्रदेश में हाल ही में जारी बारिश का दौर अब धीमा पड़ता नजर आ रहा है। अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन राहत की ये फुहारें अस्थायी साबित हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो मीन्स यहाँ पे आप इंडिया मैप डोमेन देख सकते हैं, यहाँ पे जो डीप डिप्रेशन जो था कल ईस्ट राजस्थान के ऊपर था, वो नॉर्थ गुजरात की तरफ मूव कर गया है और इसका धीरे धीरे मूवमेंट जो है सौराष्ट्र कच्छ की तरफ होने वाला है आने वाले 24 घंटे में। और इसके साथ ही जो एक लो प्रेशर एरिया कल मीन्स गैंगटॉक वेस्ट बंगाल पे जो था, वो धीरे धीरे मूव करके अभी झारखंड की तरफ आ गया है, तो लोपार जो है और इसका भी आगे मूवमेंट जो है झारखंड की तरफ ही और छत्तीसगढ़ की तरफ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और ये मानसून ट्रफ देख रहे हैं, अब जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये जो पर्टिकुलर डीप डिप्रेशन का के सेंटर से मर्ज होते हुए सागर से होते हुए आगे जा रहा है, ये लोपार के इस सेंटर से मर्ज होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई है। नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखी गई है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और रीवा में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा है। ये एक ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है और एक WDB पाकिस्तान के उत्तर बना हुआ है। इन्हीं सभी मीन्स सिनॉप्टिक सिचुएशन के चलते आप देख सकते हैं कि हमने जो पूर्वानुमान दिया है वो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्यू से लेके ऑलमोस्ट मोस्ट प्लेसेस तक के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और चेतावनी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सिस्टम है थोड़ा सा वीक होने की वजह से पूरे प्रदेश में जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की चेतावनी हमने दी हुई है, लेकिन कुछ जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी दो मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जिसमें सीधी और सिंगरौली, वहाँ पे हेवी रेनफॉल। बारिश के कम होते ही तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रीवा और पृथ्वीपुर निवाड़ी में सबसे अधिक तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पचमढ़ी नर्मदापुरम में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 अगस्त के बाद प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना फिर से बन रही है। नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, रीवा और इंदौर संभागों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने और कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर, रीवा और सीधी सहित कुल 45 जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सिंगरौली और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी प्रकाश धावले के अनुसार उत्तरी गुजरात के ऊपर एक अति निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय है, जिससे मानसून ट्रफ उत्तरी गुजरात से लेकर झारखंड और बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में एक नया अति निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस बदलाव के कारण 30 अगस्त के बाद प्रदेश में तेज बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने की उम्मीद है। भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।